हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो अगर बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर इंगेज इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इस तरीके की। द बाइंग सेलिंग इज अंडरटेकन बाई पार्टिसिपेंट्स सच एज इंडिविजुअल्स भी हो सकती है और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारी जो कैपिटल मार्केट होती है वो वर्क करती है कहाँ पे, बायर्स और सेलर के बीच में जो इंगेजमेंट होता है, कहाँ पर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि बॉन्ड्स और स्टॉक। तो इसको हम लोग ऐसे क्लियर आउट करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट क्या क्या होते हैं। तो बात करेंगे द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। द कैपिटल मार्केट रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी एंड आल्सो एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। इट मींस जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है वो इकोनॉमी की कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट कराती है। इट एलोकेट द रिसोर्सेज फ्रॉम द पीपल हु हैव सरप्लस कैपिटल टू हु रिक्वायर कैपिटल। जिनको ज़रूरत होती है, जिनके पास सरप्लस कैपिटल है, उनको रिसोर्सेज अवेलेबल कराती है उन लोगों को। बाय दिस वी कैन कंक्लूड दैट कैपिटल मार्केट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज ट्रेड ऑफ द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरीके से हमारी कैपिटल मार्केट हमारे लिए हेल्पफुल होती है हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने में, इकोनॉमी को ग्रोथ कराने में, और पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को। इस तरीके से ये दिस लीड्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको बैलेंस करके रखती है अपने कंट्री में। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इनकरेज टू सेव। तो इनकरेज टू सेव में जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट हैज हेल्प किसमें, द बैंकिंग इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड प्रोविजन टू इनकरेज पीपल टू सेव मोर। तो इस तरीके से जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में जो फैसिलिटीज़ देता है या प्रोविज़न को इनकरेज कराता है लोगों को, उनको इस तरीके से सेव करता है। पीपल माइट हैव जस्ट इन्वेस्टेड इन लैंड और गोल्ड इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। जो पीपल्स अपने इन्वेस्ट करते हैं लैंड्स और गोल्ड्स में, तो एक तरीके का नॉन एग्जिस्टेंस होता है कैपिटल मार्केट का। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स करने से पीपल्स के पर्सन्स का जो भी है वो लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नेगलिजिबल रहते हैं, क्योंकि डे बाय डे इन चीज़ों की जो रेट हैं वो इंक्रीमेंट होते रहते हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पीपल्स का कोई भी लॉस नहीं होता, यानी लॉस होने की संभावना लेस रहती है। नाउ अब बात करते हैं कि स्टेबलाइजिंग स्टॉक प्राइसेस। तो इसमें क्या है, कैपिटल मार्केट हैज़ रिड्यूस स्पेचुलेशन एक्टिविटीज एंड आल्सो प्रोवाइडेड कैपिटल टू द बरोवर्स एट द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट एज पॉसिबल। यानी इसमें जो कैपिटल मार्केट होती है वो जो प्रोवाइड कराती है कैपिटल अपने बरोवर्स को, वो कम से कम रेट में प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, जितना पॉसिबल हो सके उतने में ही प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से आज हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि क्या होती है हमारी कैपिटल मार्केट और क्या होते हैं उसके फंक्शंस। तो इस तरीके से आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।